हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटी से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अक्सर घरों में रोटियाँ बच जाती हैं, तो आज उससे हम कुछ इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो रोटी ली है, ये रात की बची हुई है। आप चाहें तो इस रेसिपी को ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले रोटियों को तोड़ लेंगे। अक्सर घरों में रोटियाँ बच जाती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें, उससे आप इस स्नैक्स को बना सकते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी खाकर नहीं बता पाएगा कि आपने इसे रोटी से बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने सारी रोटियों को अच्छे से तोड़ लिया है। अब हम इन रोटियों को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, यानी कि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो एकदम फाइन नहीं करना है फ्रेंड, और ना ही इसमें हमें पानी डालना है। तो बस इसी तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने रोटियों को ग्राइंड कर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं दानेदार दिख रहा है, तो बस इसी तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे प्याज स्किप कर सकते हैं। आप इसमें गाजर शिमला मिर्च जो भी पसंद हो ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा और साथ ही आधा छोटा चम्मच ही अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा फ्रेंड, फ्लेवर इससे बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा पसंद हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप कर दें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन, और ये नाश्ता क्रिस्पी बने उसके लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अरारोट। आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर या चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, ये आधा छोटा चम्मच। अब इन सबको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बॉयल्ड किए हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप यहाँ पे आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि आलू में कोई गुठलियाँ ना हो। मैं यहाँ पे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पनीर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सख्त सा आटा तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा हमें टाइट आटा तैयार करना है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने आटे को लगा लिया है। हाथों को क्लीन करेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे हम टिक्की का शेप दे देंगे। और इस तरह से हम टिक्की को फ्लैट कर देंगे। तो बहुत मोटा नहीं रखना है फ्रेंड, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे टिक्की को बनाया है। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो वो बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो बस इसी तरह से यहाँ पे हमने सारे नाश्ते को बना लिया है। आप इसे 1 से 2 दिन के लिए इस तरह से फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें पानी डाल के इसका हम पतला सा बैटर तैयार करेंगे। हमें एकदम पतला बैटर तैयार करना है फ्रेंड, ये देखिए कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे वापस से वही मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम ले लेंगे 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स और इसे हम डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में पलट लेंगे। अब एक नाश्ते को लेंगे और इसे हम बैटर में अच्छे से डीप कर लेंगे और इस नाश्ते को हम इस कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे ब्रेड क्रम में भी बना सकते हैं। और सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे।
तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया है। और इस तरह से आप दो रोटी से इतना ढेर सारा स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है गैस पे पैन, जिसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। और तेल यहाँ पे हमारा गर्म है, इसमें हम एक एक करके स्नैक्स को डाल देंगे। और स्नैक्स को डालने के बाद हम इसे तुरंत टच नहीं करेंगे, जब ये हल्का सा नीचे से सिक जाएगा तब इसे हम उलटते पलटते अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में आपको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा। और यहाँ पर आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड, ये कितना अच्छा दिख रहा है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बचे हुए स्नैक्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। बारिश के मौसम में पकौड़े स्नैक्स तो सबको बहुत पसंद आते हैं, और चाय के साथ ये गर्मा गर्म स्नैक्स मिल जाए, वो भी रोटी से। अक्सर घरों में रोटियां बच जाती हैं, उसे वेस्ट ना करें, तो उससे आप इस स्नैक्स को बना सकते हैं। और ये सुन सकते हैं फ्रेंड कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर ये नाश्ता तैयार होता है। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।